हेलो दोस्तों, आज मैं उस मूवी के बारे में बात करूंगा जो मैंने देखी है। आप समझ गए होंगे, जो जी पे रिलीज हुई है, जी ऐप पे 249 रुपीज़ लग गया भाई, कसम से। मैं बात कर रहा हूँ राधे की। क्या मूवी बनाई है भाई, ऐसा मजाक क्यों करो? पब्लिक ऐसे ही टेंशन में है पहले से ही, और फिर को ये कोरोना मैं ये एक मूवी दिखा रहे हो क्या है? इससे अच्छा तो तुम है ना, देशद्रोही देख लो एक बार, के आर के वाली, वो देखोगे ना तुमको उसमें हंसी आ जाएगी। लेकिन इसमें नहीं मजा आएगा, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगी। अभी एक मूवी वो इस पे कोरियन मूवी की कॉपी की गई है, तो क्या सेम टू सेम बना देते हैं? वो कॉपी पेस्ट भी नहीं करना आता इनको, कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो ये अपना लॉजिक लगाते, फिर अपना टैलेंट दिखाते बीच में, तो वो टैलेंट निकल जाता फिर अपने आप ही। उसमें हेलीकॉप्टर का शॉट क्या है, क्या जरूरत है? जैसी है वैसी बना दो, वो भी तुम नहीं बना पा रहे हो। इसमें सलमान खान की कोई गलती नहीं है, इसमें है डायरेक्टर की गलती। क्या है तुम यार, इतने सीनियर एक्टर जो अपने जैकी श्रॉफ, उनको तुम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो क्या है? और रणदीप हुड्डा बाप रे, इतना अच्छा एक्टर, वो खाली वो शहर में घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, उसको कोई काम नहीं दे रहा। वो ऐसा कर ले वैसा कर ले नहीं बता रहा उसको, खाली घूम रहा हो क्या है? कैसे इतना, मतलब सर दर्द भी कम है इस, बहुत ही बकवास मूवी है। और उसमें वो दिशा पठानी ओवर एक्टिंग, उसका उसको तो नहीं भी लेते ना मूवी में, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता मूवी को, 1% भी नहीं फर्क पड़ता। लेकिन भाई तुम बनाओ तो अच्छी सोच समझ के तो बनाओ भाई, क्या बना रहे हो? 249 रुपीज़ पब्लिक का ले लिया पेंडेमिक में, एकदम बोले तो कुछ मतलब नहीं है। के आर के खुद बोल रहा है, बोला दादा और वो पोती साथ में नाच रही है, वो अलग ही रिव्यू दे रहा अपना, बहुत भारी दे रहा वो दुनिया से अलग ही दे रहा है लड़का। तो वो सही बोल रहा है, मुझे पहले वो अलग लगता था, लेकिन वो सही बोल रहा भाई, लड़का सही बोल रहा वो। तो मूवी एकदम बकवास है, मैं तो भाई रेटिंग वेटिंग छोड़ो इसको तो कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और